ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 26 जून 2019 बुधवार का दिन है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है तथा रेवती नक्षत्र एवं मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। अगर हम दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके या धना दाल या हरा धनिया खा करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 यानी 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मिथुन राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध मिथुन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ इन 5 राशि वालों को अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही ये 5 राशियां जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आप अपने कार्य को निपटाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहेंगे या आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। मन पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। मेहनत का पूरा परिणाम आपके पक्ष में होगा। किसी काम के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही आप खुद कर ज्यादा ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज और आदतों में कुछ जरूरी बदलाव आपके हो सकते हैं। लोगों से आपको मदद मिलेगी। आप कोई नया काम भी सीख सकते हैं जिससे आगे चल करके आपके काम आसान हो जाएंगे। आज आप अपने सहयोगी के साथ या जीवन साथी के साथ मन की बातें शेयर भी कर सकते हैं। यात्रा का योग बन रहा है। पुराने मामलों को लेकर के यात्रा हो सकती है। आप किसी काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे। अधिकारियों से भी कामकाज में सहयोग मिलेगा। किसी भी बात को लेकर के आप ज्यादा तूल न दें और उपाय के रूप में यदि आप कोई भी मिठाई भगवान शंकर जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। सकारात्मक सोच से आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर काम आपके निपट जाएंगे। काम पर बार बार विचार करने का अवसर आपको मिलेगा। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे उतना ही आपको महत्व मिलेगा, साथ ही उतना ही अधिक फायदा आपको होगा। नौकरी पेशा या जो भी व्यापार आप करते हैं वहां पर नई योजना बनाने का योग है। आगे बढ़ने का आप प्रयास करेंगे। अपने दोस्तों और साथी लोगों के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा और उनका सम्मान जरूर करें और उनके सम्मान से आपको लाभ भी मिलेगा। दोस्तों की मदद से कुछ जरूरी और अटके हुए या रुके हुए काम भी आपके जो है पूरे होने वाले हैं। साथ ही यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। ऑफिस में साथ काम करने वाले और बड़े लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होने का योग है। इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी। कुछ नया भी आप सीख सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने का योग है। आपके विचारों को पर्याप्त महत्व प्राप्त होगा। कोई दोस्त या साथ काम करने वाला आज कंफ्यूज हो सकता है। आज आप किसी दोस्त के निजी मामले में मदद भी करेंगे। करीबी दोस्तों और खास लोगों से मुलाकात होने का योग है। आप काफी व्यस्त रहेंगे। अपने संपर्कों को आप अपडेट भी करेंगे। पुरानी बातें आपको याद आएगी। अच्छा और मीठा बोलकर अपने सभी कार्य पूरा करवा सकते हैं। साथ ही उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय एक इलायची खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। हर काम को धैर्य और समझदारी से निपटाने का प्रयास करें। साथ ही यदि आप रोजगार की तलाश में है तो नया कार्य आपका शुरू हो सकता है। टेक्निकल फील्ड में अच्छा रहेगा दिन। साथ ही आपको किसी से मदद यदि मांगनी है तो संकोच न करें। कोई पुरस्कार मान सम्मान आपको मिलने वाला है।
साथ ही किस्मत का साथ मिलेगा। आपके लिए बहुत हद तक सकारात्मक दिन व्यतीत होगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हो सकता है कुछ आसपास के वातावरण के कारण आपका मन काफी पॉजिटिव और अच्छी स्थिति में रहे, प्रसन्न अवस्था में रहेंगे। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। आप जोश और मेहनत से सारे काम पूर्ण कर लेंगे। और साथ ही दो तरफा बातें बिल्कुल न करें। जो भी करना है स्पष्ट और सही तरीके से आपको करना चाहिए और कहना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप गाय को कोई भी मीठी वस्तु खिलाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कुछ नए अनुभव के लिए आप तैयार रहें। इनसे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा हुआ रहेगा। घर से दूर है तो घर की याद आपको आएगी। घर में कुछ काम आज फोन पर ही आप निपटा सकते हैं। बहुत से मामले आपके पक्ष में रहेंगे। किसी से विवाद बिल्कुल न करें। साथ ही बिजनेस बढ़ाने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में दिन आपका सामान्य रहेगा। पार्टनरशिप के कारण जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कई प्रकार के विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। उतार चढ़ाव भरा दिन आपके लिए साबित होगा। सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ा समय लग सकता है। ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल न करें। शांति और धैर्य पूर्वक आपको काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पेड़ के नीचे एक फूल चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। करीबी लोगों को आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहेगी। आपको थोड़ी सुस्ती भी महसूस होगी। कोई पास का व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों में फायदा होगा। आजादी के साथ काम करने का विचार आपका होगा। बिजनेस की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से होगी, लेकिन धीरे धीरे काम में गति आएगी। बहुत से काम लगभग आपाधापी की स्थिति में पूरे हो सकते हैं। संतान के कार्यों पर नजर रखें। संतान को ज्यादा स्वतंत्रता देना आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। बौद्धिक वर्ग में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। लोग आपको पसंद करेंगे और आपके कार्यों के कारण आपको ऊंचा पद भी मिल सकता है। उपाय के रूप में यदि आप हरी सब्जी खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। बिगड़े हुए काम और स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त हो जाएगी। नए संबंधों से फायदा होगा। दोस्तों से मदद मिलेगी। कामकाज और उसके लिए जरूरी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कोई नया काम, नई चुनौती आपके सामने आ सकती है जिसे आप अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से निपटा लेंगे। प्रेमी या किसी करीबी दोस्त के साथ आपकी यदि बोलचाल या फिर किसी प्रकार का कोई झगड़ा था तो वह समाप्त हो जाएगा, यानी बोलचाल शुरू हो जाएगी। साथ ही कई काम ऐसे होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, उनको आपको करना पड़ेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में एक नयापन आपको अनुभव होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। राजनीतिक और सामाजिक कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस के मामलों में दिन अच्छा है और नौकरी में थोड़ा कॉम्पिटिशन जरूर रहेगा, लेकिन सफलता आपके हाथ लगेगी। कुछ मानसिक तनाव और दबावपूर्ण स्थिति भी आपके साथ निर्मित हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी मिठाई खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको परेशान यदि है तो आपको राहत मिल जाएगी। किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो जल्द ही सफल हो जाएंगे। ऑफिस के कुछ काम निपटाने के लिए आपको रूटीन कार्यों में बदलाव करना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले को जितना काम मिलता जाए उतना ही स्वीकार करते जाए। एक एक करके सारे काम निपटाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी कहे साफ तौर से कहे। किसी के साथ विवाद न करे, लड़ाई झगड़ा न करे और धैर्य और शांति के साथ आपको करना चाहिए। साथ ही वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग का कोई भी फल गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपकी व्यवहारिकता भावुकता के ऊपर हावी होगी। आपकी सभी योजनाएं सफल होगी। नए काम की शुरुआत करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही घर परिवार में नई योजनाएं निर्मित होगी। धन प्राप्ति के कुछ नए योग आपके साथ बन सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति आपको अच्छी होने वाली है। रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। कोई काम अचानक आपको होने से बहुत ज्यादा मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में एक नई शुरुआत होने का योग है। और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही आप ज्यादा सफल होंगे। शांति से निजी जीवन के बारे में विचार करें। परिवार को लेकर के ज्यादा ही आप भावुक हो सकते हैं और परिवार की चिंताएं लगभग जो अभी तक चल रही है वो समाप्त होने का दिन रहेगा। कोई परिवार में यदि बीमार चल रहा है तो वह स्वस्थ हो जाएगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्ज से निपटने के अवसर भी आपको प्राप्त हो गए। नई संपत्ति खरीदने का आप विचार कर सकते हैं। नया कार्य क्षेत्र भी आपको मिल सकता है या फिर नए रोजगार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या खाने पीने की वस्तु का दान करते हैं तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। धन लाभ होगा, नई ऊर्जा का आपको शरीर में संचार होगा। आपके जीवन में जो लोग भी महत्वपूर्ण हैं उनसे मुलाकात होगी। कुछ महत्वपूर्ण कामकाज आपके होने वाले हैं। कुछ कंपटीशन, एग्जाम, इंटरव्यू, सौदेबाजी या फिर एग्रीमेंट करने में आपको जो है थोड़े सावधानी की जरूरत होगी। साथ ही ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ नए लोगों से आपका जो है सहयोग और मित्रता का भाव उत्पन्न होगा और उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे मन आपका अत्यधिक प्रसन्न होगा। अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट आपके हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने के कोई विचार भी आपको आ सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि एक लाल कपड़ा और लाल रंग का फूल गणेश जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपकी इनकम में जो है वृद्धि होने का योग है। कार्य क्षेत्र में जो योजना आप कई दिनों से बनाते आ रहे हैं उसको क्रियान्वित करने का समय अब आ चुका है। अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। पैसों के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का योग बन सकता है या फिर आपको प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलने का योग है। कुछ नए काम होने से आपके घर में खुशी का वातावरण निर्मित होगा और घर में बुजुर्ग व्यक्ति आपको जो है अच्छी सलाह देगा और उनकी सलाह के माध्यम से कुछ काम भी आपके बन सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा जो है कच्चा दूध और उसमें मिश्री डाल करके भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल एवं उनको करने वाले उपाय हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।